तो आज हम बनाने वाले हैं बोला, जो कि गाय भैंस का पहले दिन का दूध होता है उसको बोला बोलते हैं। तो ये इंसान की दर्दों के लिए बेहतरीन इलाज है, खासकर जिन लोगों को कमर दर्द की मसला हो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आइए हम ये बनाते हैं। तो जो आजकल बीमारी चल रही है कोरोना वायरस, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ें खानी चाहिए, तो ये उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो ये हमें किसी ने तोहफा भेजा था, तो आइए हम ये बनाते हैं। तो ये बहुत ही बीमारियों का इलाज है, अगर आपको मिले तो ज़रूर बन ज़रूर खाएं। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, जो कि पहले दिन का दूध होता है गाय हो या भैंस हो। तो आइए ये बनाते हैं। इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं और चीनी भी डाल सकते हैं, वो अपनी मर्जी है, जो जी चाहे डाल लें। अगर 2-3 दिन की हो तो कुछ लोगों की वो बनती नहीं है, उसमें गुड़ डालना चाहिए ये लोग, लेकिन जो पहले दिन की होती है उसमें गुड़ भी डाल सकते हैं और चीनी भी डाल सकते हैं। तो मैं चीनी डालूंगी इसके अंदर। डालेंगे हम इसके अंदर चीनी, अभी इसको 5 मिनट लगेगी, ये 5 मिनट में बन जाएगी। साथ ही इसकी चीनी डाल देते हैं, जब वो परखते हैं उन्हें चबाना चल जाए। बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। बस उतना टाइम लगता है जितना इसको कस्टर्ड बनाने में लगता है उतना टाइम। मिले तो ज़रूर बार ज़रूर खाए ये लोग, लोगों को सौगात ही ज़्यादातर भेजते हैं। तो जिन लोगों में भैंस गाय है, जिन लोगों के घरों में, उन्हें ये ज़रूर मौका उठाना चाहिए इस बात से, इसको ज़रूर खाएं। कुछ बच्चे ऐसे होते कहते हैं नहीं खानी नहीं करी, ये इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। कुछ लोग इसको खुश्क बना देते हैं, जैसे वो घी डाल के भून लेते हैं खुश्क बन जाती है। कुछ लोग इसको थोड़ा कस्टर्ड नमा कर लेते हैं, कुछ लोग को फुट्टी बन जाती है, फुट्टियाँ वाली बनती है, लेकिन मेरे बच्चे थोड़ा गाढ़े कस्टर्ड की तरह पसंद करते हैं। या अभी आपके सामने मैं सबा बनाऊंगी। ठीक ठीक सी होना शुरू हो गई है, ये देखें बगैर। ये बन गई है, ये रेडी हो गई है। आपने लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ईमान की दौलत से मालामाल करे। ओके, अल्लाह हाफिज़।